हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो फॉर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आगे के कुछ टैग्स। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था मीडिया टैग्स के बारे में, जो कि ऑडियो और वीडियो और इमेज के बारे में हमने उसमें देखा था। तो ऑडियो और वीडियो तो हमारा वर्क कर दिया था, पर इमेज जो था वो वर्क नहीं किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको वेब पेज को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो वेब पेज ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसे लॉन्च करना पड़ेगा हम लोगों को, इसी HTML डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों का जो वीडियो फाइल है और ऑडियो फाइल है वो तो अच्छी तरीके से यहाँ पे लोड हो चुका है, पर यहाँ पे जो हमारा इमेज का फाइल है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से लोड नहीं हुआ है। तो इसके लिए अपन लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने गलती क्या किया था मेरे को बाद में पता चल गया कि यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, ये जो JPEG लिखा है इसकी जगह हमें JPG बस लिखना है। तो इसको बस अगर लिख देंगे आप तो आपका जो इमेज है वो यहाँ पर से डिस्प्ले हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल देके चेक किया था कि मैंने गलती क्या की है। तो एक बार इसको सेव करके एक बार वेव कर लेते हैं। तो यहाँ से जल्दी से जाते हैं हमारे वेब पेज पे और यहाँ पर से जाते हैं रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारा जो इमेज है वो लोड हो चुका है। तो यही था, इसके कारण ही हमारा जो इमेज है वो लोड नहीं हो रहा था। तो पिछले वीडियो में मैं आपको ये बता नहीं पाया था, आज के वीडियो में मैंने इस चीज़ को यहाँ पे बता दिया है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि अपन लोग आगे का जो है कुछ टैग्स के बारे में देखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने फिगर के बारे में भी बताया था, इसके अंदर हम लोग इमेज वगैरह डालते हैं। और यहाँ पर अगर आप कैप्शन डालना चाहते हैं तो डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर जो कैप्शन है वो इमेज के नीचे शो हो जाएगा। उसके लिए भी थोड़ा आपको स्पेलिंग करना पड़ेगा, वो आप लोग CSS में देखेंगे। तो अभी कुछ बेसिक टैग्स के बारे में देखते हैं जो कि HTML में यूज़ होते हैं। तो ये सब भी कुछ बेसिक टैग्स थे जो कि HTML में यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद अपन लोग इस चीज़ को यहाँ पर से इरेज कर देते हैं और अपन लोग अब लाइन बाय लाइन देखेंगे कि कौन सा टैग कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले अपन लोग अगर HTML डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो आप बहुत सारे वेब पेज में विजिट किए होंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर में एक नेविगेशनल बार होता है। तो नेविगेशनल बार कुछ इसी तरीके का होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि ये सब दिखा रहे हैं, पर वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्टाइलिश होता है। और वहाँ पर जो है आपको बहुत सारे नए नए स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। तो वो स्टाइल्स जो होते हैं वो आप CSS से इसमें डाल सकते हैं, पर जो है अगर आपको इसे और मतलब बिना CSS का भी डालना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हेडर टैग का यूज़ किया जाता है। तो हेडर टैग जो होता है उसके अंदर हम नेविगेशनल लिंक्स डालते हैं, और वो जो नेविगेशनल लिंक्स होती हैं उन नेविगेशनल लिंक्स के कारण अपन लोग अपने एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट कर पाते हैं। तो हेडर का मतलब तो आप समझ गए होंगे, जो कि ऊपर की तरफ दिखता है, और फूटर का मतलब होता है जो उसकी सबके नीचे तरफ दिखता है। तो वहाँ पर बेसिकली जो है कॉपीराइट सेक्शंस और वो बहुत सारे जो और भी चीज़ होती है वो उसको फुटर्स की तरफ दिखाया जाता है, और हेडर में जो होते हैं नेविगेशनल लिंक्स होते हैं। तो यहाँ पर अपन लोग वैसे ही एक पेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर अपन लोग हेडर लिखना चाहें तो यहाँ पे हेडर लिखने के लिए जो है HEADER का एक टैग होता है। तो इसका जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है, तो यहाँ पर आप उस चीज़ को लिख लीजिए। इसके बाद जो है इसको, सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा गलती लिख दिया था, अब यहाँ पर जो है इसको क्लोज कर देना है हम लोग को। तो क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो उस वाले टैग के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप स्पेस एंटर मारेंगे तो यहाँ पे जो है बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को टैब दबाना है, इसके बाद इसके अंदर अपने को अगर नेविगेशनल लिंक्स डालनी है तो उसके लिए अपने को नेव टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो नेव टैग क्या होता है? नेव टैग होता है नेविगेशनल लिंक्स। तो नेविगेशन का टैग जो होता है उस टैग को आप डायरेक्ट ही नेविगेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एंकर टैग का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि अपन लोगों ने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो एंकर टैग क्या होता है कि एक लिंक क्रिएट कर देता है एक पेज से दूसरे पेज के बीच में। पर अपन लोग नेव टैग को इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अपन लोगों को अभी स्टाइल भी करना है इसके साथ साथ। तो स्टाइल का जो पार्ट है वो तो अपन लोग CSS के पार्ट में देखेंगे, पर यहाँ पे जो है अभी HTML के पार्ट में सिंपल सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेव। तो यहाँ पे नेव लिखने के लिए NAV सिंपल सा आपको लिख देना है, इसके बाद इसका क्लोजिंग टैग भी लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो इस नेव टैग को कोई सा क्लास भी दे सकते हैं या फिर कोई ID भी दे सकते हैं। तो क्लास और ID के बारे में एकदम डिटेल्ड वाला एक और वीडियो जो है वो अगले वीडियो में आप लोग लेके आएंगे। उस वीडियो में आप अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्लास और ID में डिफरेंस क्या होता है और क्लास और ID किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो देख सकते हैं नेव जो है इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे एक एंकर टैग इसके अंदर आपको क्रिएट करना है। और आपको ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि नेव टैग को मैंने यहाँ पे सामने की तरफ में लिखा है और जो एंकर टैग है उसको यहाँ पे बाद में लिखा है नेव टैग के, तो इधर भी बाद में लिखना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप नेव टैग को लेफ्ट साइड से बहुत ही आखिरी में लिखते हैं तो इधर राइट साइड से भी आपको उसको एंड में ही लिखना पड़ेगा। अगर जो एंकर टैग है उसको लास्ट साइड से
एंड में लिखते हैं, तो यहाँ पर से जो है फ्रंट साइड से भी एंड में लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको कोड कीजिएगा, ऐसा कोई गलती मत कीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने इसी तरीके से यहाँ पे कोड कर लिया। इसके बाद मैंने आपको पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि एंकर टैग के अंदर एच रेफरेंस देना पड़ता है अपने को, तो यहाँ पे एच रेफ लिख दीजिए। इसके बाद ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि डबल कोटेशन मार डालना पड़ता है, इसके पहले इक्वल भी डालना पड़ता है। तो इसके अंदर अपने को अभी कोई सा भी लिंक नहीं डालना है, तो अगर आप कोई सा भी लिंक नहीं डाल रहे तो यहाँ पे हैश डाल दीजिए। इससे जो है वो जो पेज है वो उसी पेज में वापस से नेविगेट हो जाएगा। तो ये डालने के बाद इसके अंदर जो अपन लोगों का एंकर टैग है, इसके अंदर अपन लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे वेब पेजेस में लिखा होता है होम, और लिखा होता है अबाउट अस, और यहाँ पे सपोर्ट अस, ऐसा बहुत सारा चीज़ जो है वहाँ पे लिखा रहता है, पोर्टफोलियोज़ और ऐसा ही बहुत सारा चीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इस चीज़ को जो है कॉपी कर लेना है, और इस चीज़ को कॉपी करने के बाद इसका बहुत सारा जो कॉपीज़ हैं वो बना लेना है। तो यहाँ पे कंट्रोल सी दबा के अपन लोग इसको कॉपी कर लिए हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको यहाँ पे कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर देते हैं, और जो है बहुत सारे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे अपन लोग लिख देते हैं, कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे अपन लोग, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए कुछ भी लिख देता हूँ अभी। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया, यहाँ पे अबाउट अस लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जगह पे लिखा होता है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन लोग, यहाँ पे लॉग इन लिख देते हैं। तो ओके, ये अपना चार चीज़ जो है यहाँ पे बन चुका है। अब इसको टेस्ट करने के लिए अपने को कंट्रोल प्लस एस दबाना पड़ेगा, और ऑल्ट प्लस टैब दबा के हमारा जो वेब पेज है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो देख सकते हैं पुराना जो चीज़ था वो सब चीज़ हट चुका है, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इस साइड पे आ चुका है। पर आप लोगों ने देखा होगा कि ये ऐसे साइड की तरफ में इस तरीके से नहीं होता है, वो लाइन बाय लाइन इधर से सामने की तरफ में होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे CSS अप्लाई करना पड़ेगा, और CSS जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। तो वो चीज़ तो अपन लोग CSS के पार्ट में ही देखने वाले हैं, पर अभी जो है अपन लोग टैग्स के बारे में सीख जाते हैं। और आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि कौन सा टैग किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, और वहाँ पे उस टैग के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स लगते हैं। तो देख सकते हैं हेडर कुछ इस तरीके से काम करता है। इसके बाद हेडर के नीचे अगर आप लिखेंगे तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो इमेज डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इमेज अपन लोग ने बता दिया, इमेज डिस्प्ले कराने के बाद उसके नीचे कोई आर्टिकल लिख देंगे आप लोग, तो आर्टिकल का भी अपन लोग ने टैग बता दिया। अब उसकी जगह आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो पैराग्राफ लिखने के लिए होता है एक पी टैग। तो यहाँ पे आपको सिंपल से स्मॉल पी लगा देना है, आप कैपिटल पी लगाएंगे तो भी जो आपको टैग है वो वर्क कर लेगा। तो यहाँ पे जो है एंकर टैग के जैसे ही इसमें भी सिंगल एक ही लेटर है, और यहाँ पे जो है पी टैग जो होता है वो पैराग्राफ का टैग होता है, और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के टैग्स होते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे जो टेक्स्ट लिखने वाले टैग्स होते हैं उसके जो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स होते हैं, क्योंकि इसका पता नहीं चलेगा। नहीं तो अगर का क्लोजिंग टैग नहीं होएगा इस चीज़ का, तो आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा कि मतलब ब्राउज़र को भी समझ नहीं आएगा कि इसको किस तरीके से डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अभी जो पैराग्राफ टैग है इसके अंदर पढ़ लो कुछ भी लिख देते हैं। तो हेलो दिस इज़, सॉरी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, हेलो दिस इज़ आवर फर्स्ट वेब पेज। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ और जो भी चीज़ आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये टैग्स होते हैं। तो बोल्ड के लिए होता है बी टैग, तो बी टैग जो होता है इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होता है। जिस भी वर्ड या फिर जिस भी सेंटेंस के ऊपर आपको बोल्ड करना है तो वहाँ पे आपको बी टैग लगाना पड़ेगा। तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है, वो दोनों टैग आप जो है यहाँ पे लगा दीजिएगा, जिससे आपको आपके ब्राउज़र को समझ आ जाएगा कि किस चीज़ को बोल्ड करना है। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करके देखते हैं और ऑल्ट टैब दबा लेते हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कंट्रोल आर दबाने से जो हमारा वेब पेज रिफ्रेश हो चुका है, और बाकी सबको आप देख पा रहे हैं कि ये सिंपल लेटर्स पे लिखा हुआ है, और ये जो है बोल्ड टेक्स्ट पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो मैं आपको इटैलिक के बारे में भी बता देता हूं, इटैलिक जो होता है वो आई टैग से लिखाया जाता है। तो आई टैग किस तरीके से डाले, तो अपन किसी और वर्ड पे डाल देते हैं इटैलिक। तो यहां पे आई लिख दीजिए सिंपल, इसके बाद जो है यहां पे आई को क्लोज कर दीजिए। तो आई क्लोज हो गया, कंट्रोल एस दबाते हैं, वापस से चलते हैं वेब पेज पे और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सॉरी मैंने कंट्रोल प्लस एस दबा दिया था करके यहां पे जो सेव का ऑप्शन आ गया था, कंट्रोल आर दबाने से जो हमारा वेब पेज है वो रीलोड हो गया, और यहां पे देख सकते हैं फर्स्ट जो है इटैलिक फॉर्म में आ चुका है। अब आप किसी चीज़ को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन भी यहां पर से कर सकते हैं। अंडरलाइन करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे यू टैग होता है, तो यू टैग जो है आप यहाँ पे किसी भी चीज़ के ऊपर अगर लगा देंगे तो वो चीज़ जो है अंडरलाइन हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं।
तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है अंडरलाइन हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का भी इसी चीज़ में मैंने इंक्लूड कर दिया। और यहाँ पे और भी चीज़ फॉर्मेटिंग के होते हैं, जैसे कि मार्क टैग होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बचा हुआ है हेलो, इसके ऊपर भी अपन कुछ लगा देते हैं। तो मार्क टैग जो होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको अगर कोई चीज़ को हाईलाइट करना है, मान लीजिए आपका जो कोई वेब पेज है जो कि शॉपिंग से रिलेटेड है, और वहाँ पे आपको कोई चीज़ को ये दिखाना है कि ये जो है इतने दाम में ना मिलकर इस दाम पे मिल रहा है, तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो उसको। जैसे कि आप हाईलाइट करते हैं किसी चीज़ को अपने बुक पे, उस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मार्क टैग लगा दी, इसके बाद कंट्रोल एस दबा के वापस से वेब पेज में चलते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हेलो जो है येलो कलर से हाईलाइट हो चुका है। तो इसका कलर जो है आप चेंज कर सकते हैं, आप जो भी कलर में करना चाहें उस कलर में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टाइल। तो इस चीज़ को बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। तो इनलाइन स्टाइलिंग ये होता है कि आप जो टैग होता है उसी के अंदर रिफाइन कर देते हैं कि इसका स्टाइल किस तरीके से होने वाला है। और एक होता है अलग से स्टाइल करने का होता है, जिसमें अलग से आपको CSS का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, तो वो सब बोले हम बाद में देखेंगे। और अभी जो है स्टाइल इसका मैं बता देता हूँ सिर्फ आपको। यहाँ पे जो है कलर का सेलेक्ट करना है, कलर लिखना है, इसके बाद जो है कोलोन होता है उसको डाल देना है, इसके बाद जो है ये वाला जो कलर है इसका जो चेंज करना चाहें तो जो भी कलर लिख देंगे आप यहाँ पे जो वो हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो हेक्साडेसिमल कोड्स भी डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे RGB का प्रोपोर्शन में भी डाल सकते हैं। तो रेड कलर अभी यहाँ पे अपन लोगों ने डाल दिया है। इस बार कंट्रोल एस दबाते हैं, ऑल्ट टैब दबा के वापस से यहाँ पे चलते हैं, और कंट्रोल आर दबा के रिफ्रेश कर लेते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसका जो बैकग्राउंड है वो हो गया है। तो यहाँ पे अपन लोग कलर की जगह बैकग्राउंड कलर लिखना पड़ेगा, तो बैकग्राउंड कलर लिख देते हैं अपन लोग यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे जो हिंट है वो दिखा दिया, इसको लिख देते हैं। इसके बाद जो है कलर दो बार लिखा गया, तो इसको फिर से कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेते हैं, वापस से जाके एक बार देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, आपका जो बैकग्राउंड है वो रेड कलर में हाईलाइट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप जो है बाकी चीज़ को भी हाईलाइट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके बाद जो है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है पैराग्राफ टैग के बाद जो आता है वो है यहाँ पे डिव टैग। तो डिव टैग क्या होता है, तो डिव टैग होता है ये कोई स्पेशल टैग नहीं है किसी चीज़ के लिए, ये जो टैग है वो एक कॉमन सा टैग है। इस टैग को अपन लोग किसी भी, इसका क्लोजिंग और ओपनिंग टैग दोनों होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इसको अपन लोग सिंपली इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, अगर आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से स्टाइल देना चाहते हैं उस चीज़ को आप स्टाइल देने के लिए डिव टैग का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको हेडर से लेके पैराग्राफ तक का स्टाइल देना है, तो वहाँ तक के लिए आप डिव क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर एक क्लास डिफाइन कर सकते हैं। फिर उस क्लास के बेस पे जो है आप डिव टैग से जो है इस तरीके की अंडर की स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो डिव टैग जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वेब पेजेस में। अगर आप चाहें तो यूट्यूब का जो पेज होता है वहाँ पे, यूट्यूब का जो टैग होता है वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप कंट्रोल प्लस यू प्रेस करते हैं यूट्यूब के पेज पे जाके, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि बहुत सारे डिव टैग्स वहाँ पे यूज़ किए गए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे वेबसाइट से, मतलब हर वेबसाइट में डिव टैग यूज़ होता ही है, तो डिव टैग को भी आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टैग आता है वो होता है फूटर टैग। तो फूटर टैग क्या होता है, फूटर टैग के अंदर होता है कि जो है फूटर नीचे का जो पार्ट होता है वो होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ इस चीज़ का। एक एग्जांपल यहाँ पे क्या हो सकता है, अपन लोग कोई बेसिक सा वेब पेज सर्च कर लेते हैं। तो जैसे कि हर वेब पेज आप जानते होंगे, यहाँ पे कोई सा भी वेब पेज सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अपन लोग WG स्कूल का जो है वेब पेज सर्च कर लेते हैं, जो कि HTML के बारे में बहुत सारा चीज़ यहाँ पे दिखाता है। तो एक बार मैं उसके वेबसाइट में जाके आपको यहाँ पे से दिखा देता हूँ कि जो है फूटर किस तरीके का होता है। तो यहाँ पे जाते हैं अपन लोग सबसे पहले किसी भी एक वेबसाइट पे। तो ये चीज़ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो W3 स्कूल का जो है वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो नीचे का पार्ट होता है, यहाँ पर उसका जो पार्ट होता है जिसमें कॉपीराइट वगैरह लिखाया होता है, इसमें तो अच्छी तरीके से यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी, शायद उसका स्टाइल लोड हो रहा था। तो यहाँ पे जो है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है और नीचे की तरफ में सटा हुआ होता है, और जो है बहुत अच्छा दिखता है। तो इसके अंदर आप जो है अपने वेब पेज के बारे में लिख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ नेविगेशनल लिंक्स भी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉपीराइट के बारे में भी यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये जो होता है फूटर की तरफ वर्क करता है। तो फूटर टैग में आप यही चीज़ डिफाइन करने वाले हैं। तो फूटर टैग जो होता है इसका जो है सिंपल सा फूटर का टैग होता है, इसके बाद जो है इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। तो क्लोज कर देते हैं इस टैग को, इसके बाद जो है इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब इसके अंदर अपने को कुछ भी लिखना है अगर, तो यहाँ पे अपन कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ फूटर। लिखने के बाद अगर आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं कॉपीराइट, वैसे तो कॉपीराइट नहीं है हमारा वेब पेज पर, लिख सकते हैं ऐसा कोई बात नहीं है।
पर इसके लिए आपको जो अगर आप इस वेब पेज को पब्लिक करते हैं, मतलब पब्लिक के लिए ओपन करते हैं, तो आपको एक कॉपीराइट असलियत में कराना पड़ेगा। आप ऐसे ही कॉपीराइट नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार कंट्रोल एस दबाते हैं, वापस से चलते हैं हमारे वेब पेज पे और इसको रीलोड करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, अभी यहाँ पे जो फुटर है वो यहाँ ऊपर की तरफ में दिखा रहा है, पर अपना जो वेब पेज है जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे जो है नीचे की तरफ में दिखाने लग जाएगा, और इसके लिए आपको स्टाइलिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये था फुटर टैग। इसके बाद जो है और कौन सा टैग आता है वो सब जो है अपन लोग बाद में बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट आता है तो मेरे को लिख के जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जो है बहुत जल्दी से ही सेंड कर दूंगा आपके कमेंट वाले रिप्लाई पे। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।